हेलो गाइस, आज हमारा जो है वो नया टॉपिक एकदम नई चीज़ है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। एक मेरा अलग तरीका, आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस बीच में आपको कुछ बातें ही बताऊंगा, वीडियो के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आप वीडियो के दरमियान देखेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैंक नंबर वन किसको मिलता है। जो इंडिया में सबसे बड़ी नदी है जो इंडिया में बहती है वो है गंगा रिवर, जिसकी टोटल लंबाई है, देखो जो लेंथ ऑफ रिवर है, मैंने यहाँ पे दो लेंथ दिया है, एक है लेंथ इन इंडिया मतलब वो जो इंडिया में जितना दूर तक बहती है, और एक है उस नदी का टोटल लेंथ, एक वो इंडिया में कितना दूर बहती है और एक है जो उसके पूरे जो नदी का जो लेंथ है वो कितना है। तो नंबर वन पे जो है हमारी रिवर गंगा है, जिसका जो इंडिया में जो बहती है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, और उसका टोटल लेंथ जो है वो भी हमारा 2525 किलोमीटर ही है। जो सेकेंड नंबर पे हमारी जो नदी है वो है गोदावरी, जिसकी लेंथ है 1464 किलोमीटर और टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर। जो हमारी थर्ड नदी है उसका नाम है रिवर कृष्णा, आप इन नदियों को जानते होंगे, और उसका जो लेंथ है टोटल वो 1400 किलोमीटर है जो इंडिया में बहती है, और उसका टोटल लेंथ भी 1400 किलोमीटर, यानी कि ये पूरी की पूरी नदी इंडिया में ही फ्लो करती है। चौथी जो हमारी नदी है वो है यमुना, जिसकी टोटल लेंथ है 1376, और ये भी पूरी की पूरी नदी इंडिया में जो है वो फ्लो करती है। पांचवी जो हमारी नदी है उसका नाम है नर्मदा, और नर्मदा जो है इसका लेंथ जो है जो इंडिया में फ्लो करती है वो है 1312 किलोमीटर, और जो हमारा टोटल लेंथ है इस नदी का वो भी है 1312 किलोमीटर, दोनों में सेम। छठी नदी जो है वो हमारी इंदस, ठीक, और इसका जो लेंथ है वो है जो इंडिया में फ्लो करती है वो 1114 किलोमीटर, और जो टोटल लेंथ है इसकी वो 3180 किलोमीटर। अब देखो जो एक कंफ्यूजन है ना, जो मैं आपको बोला था, लोगों को लगता ही है कि जो गंगा नदी है और जो इंदस है, तो गंगा लोग सोचते हैं गंगा ज्यादा बड़ी नदी है, नहीं, लेंथ के हिसाब से जो इंदस नदी है वो गंगा से ज्यादा बड़ी है, लेकिन गंगा जो इंदस है वो फिर वो पाकिस्तान और दूसरे कंट्री में चली जाती है, लेकिन गंगा पूरी की पूरी इंडिया में बहती है, तो सबसे ज्यादा फ्लो गंगा करती है इंडिया में, लेकिन जो पूरी नदी की लंबाई है वो इंदस की ज्यादा है गंगा से। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र, ये भी गंगा से बड़ी नदी है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर जो है वो फ्लो करती है, लेकिन इसका जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर यहाँ पे ध्यान दे देना। उसके बाद जो हमारी आठवीं नदी है जो आठवें रैंक पे है वो है महानदी रिवर, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 890 किलोमीटर, और इसकी टोटल लेंथ भी उतनी है, और इंडिया में पूरी की पूरी ये फ्लो करती है। नौवीं नदी जो है वो हमारी है रिवर कावेरी, जिसकी टोटल लेंथ है हमारी 800 किलोमीटर, और इंडिया में ही ये पूरी की पूरी फ्लो करती है, यानी कि 800 किलोमीटर पूरी इंडिया में ही है। और जो दसवीं नदी है उसका नाम है रिवर ताप्ती, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 724, और ये भी पूरी की पूरी इंडिया में फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी नदियाँ हैं जो है, एक हमारी ब्रह्मपुत्र और एक इंदस, जो कि बड़ी नदियाँ हैं पर वो पूरी की पूरी इंडिया में फ्लो नहीं करती है, वो दूसरे कंट्री में भी जाती है और वहाँ भी फ्लो करती है, इसलिए हमारा ये जो है ये टॉप 10 रिवर का जो हमारा जो ये सेशन था वो हुआ समाप्त। और अब आप ये बताएंगे कि ये कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।